अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और राशिद लतीफ सब अक्सर फारिग बैठे होते हैं तीन तीन दिन में। अच्छा, किसी ने पूछा था कि ये मैचेस कैसे फॉलो करते हैं। एक यूएसएमबी लगी हुई है, एक लैपटॉप पे वेब स्ट्रीमिंग हो रही है, एक यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, ये फारिग होते ही मैच देखते हैं। सिर्फ मसला ये कि जितनी दफ़ा भी लेट होते हैं प्रोग्राम लेके आते हुए, वो मेरी वजह होती है। सरकार का मुलाजिम मुझे इनकी तरफ सबका पाकिस्तान का कप्तान नहीं हूँ। क्लिनिक भी चलाते हैं और ना नहीं सर, आप? क्लिनिक कहाँ चलाता हूँ मैं, अच्छा आप अहमी अंदर कराएंगे मुझे इनकम टैक्स के चेक में। हाँ जी, क्लिनिक भी चलाता हूँ। एनी वेज जी, जो आज हमारी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि श्रीलंका 660 रन का टारगेट चेस कर जाएगा, क्योंकि मतलब कि दिस वॉज इनक्रेडिबल जी। कहना नहीं चाहिए, शायद राशिद नाराज हो, क्योंकि राशिद का दिल ज्यादा पाकिस्तान के साथ, बींग द एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो खैर मेरा भी बहुत धड़कता है, लेकिन आप एक्सपोज हुए, पीछे के गेंद से डरते रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते नहीं। अगर मिकी आर्थर ने कहीं बैंड बजाया तो ठीक बजाया, बिकॉज अगर असद शफीक और जिस तरह वो पहले रिव्यू हुआ और उसके बाद गेंद को कहा कि आ यार आ जा, मैच जो है एज मारनी, एंड देन द वे अजहर प्लेड। मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन 65-65 टेस्ट मैचेस खेल जाने के बाद मैं जावेद भाई से ही उम्मीद नहीं करता था, मैं इंजमाउल हक से ही उम्मीद नहीं करता था, मैं सईद अनवर से ही उम्मीद नहीं करता था। आप पहली गेंद पे जीरो पे आउट हो जाए, नो प्रॉब्लम्स, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है, माइंड सेट क्या है। टाइम हैज़ कम जी, मैं सैफी को बहुत सपोर्ट किया, ऑल थ्रू आउट सपोर्ट किया, हमारा बच्चा हमारे हाथों में परवान चढ़ा, बेहतरीन प्लेयर, लेकिन टाइम हैज़ कम, इधर ही हैज़ टू स्टेप डाउन या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ टू स्टेप अप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत मीक लग रहा है जी, अगर मिकी आर्थर ने कोई ड्रेसिंग डाउन की, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। इनको बजाय कि ये अपोलोजेटिक स्टेटमेंट देने के कोई कोई ऐसा नहीं हुआ और एग्जेजरेट किया गया, इनको ये कहना चाहिए था कि जिसने लीक आउट की है उससे ज़रा हम जरूर निबड़ेंगे और पूछेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोच कप्तान हम लोगों में, मतलब प्री मैच पोस्ट मैच करते गर्मी सर्दी हो जाती है, तो वो तो अंदर मैच खेल रहे हैं, एंड दिस हैज हैपन। बट वेल प्लेड साउथ अफ्रीका। एट द एंड ऑफ द डे ओलिफर 11 आउट करके एक स्टार बन गए, बनना भी चाहिए। स्टार हम बना रहे, पहले एबर्ट को बनाया था, हम पहले काइल एबर्ट को हमने बनाया था, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज हुई है जिस टेस्ट मैच में, कैप्टनिंग पाकिस्तान सरफराज अहमद पेयर लिया, कैप्टनिंग साउथ अफ्रीका फाफ डी प्लसी पेयर लिया। मैंने भी पेयर लिया अपने पहले मैच में। आप तो खैर बैटिंग करने ही नहीं चाहते थे, आपको तो ऐसे लगता था मुसीबत पड़ गई। मैं और दो कैप्टन हैं जो पहले पहले टेस्ट में, एक मार्क टेलर कराची टेस्ट और मैं पी टेस्ट मैच में, बिल्कुल ठीक हो गया। पोर्ट एलिजाबेथ में इन्होंने लिया था, उससे उस रात को क्या हुआ था ये बाद में, उसमें रीजन भी थी ना, मेरी नेक की तीन वो खेले ही नहीं था, फिर हम डर्बन टेस्ट जीत गए थे। वैसे आपकी गर्दन तो भिंगी रही, फिर हमारे कप्तान ने मना कर दिया कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, आप करें, तो आमिर भाई ने छोड़े, वो ये कर ही लेते थे। वैसे इनकी गर्दन वैसे ही विंगी रहती थी, सरिया नहीं था लेकिन विंगी रहती थी। एनी वेज जी, टेस्ट मैचेस में जहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ आपने, राशिद ने मुझसे शेयर किया कि अगर रोहित शर्मा वनडे की बेसिस पे इफ ही कैन बी पिक्ड अप ऑन द टेस्ट मैच टीम, वाई नॉट चेतेश्वर पुजारा, कि वो टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेस पे वनडे में सेलेक्ट हों, आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए, ये सवाल नहीं पूछेंगे। हम T20 से टेस्ट मैच खिलाते हैं और टेस्ट मैच जो हमारे प्लेयर हैं उनको हम बाहर बैठाते हैं, सो कोई ऐसी बात नहीं, बट शायद चेतेश्वर पुजारा जिस तरह ग्रूम हुए, इवॉल्व हुए, ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल लंबी क्रिकेट के प्लेयर हैं, टेम्परामेंट है उनका, पैन आउट करते हैं अपनी इनिंग्स को, और शायद उनको फेमिलियर नहीं समझा जाता वनडे से, बट नथिंग रॉन्ग विद दिस टेक्निक एंड मेथड, एनी कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। लास्ट 10 इयर्स में इंडिया की बैटिंग लाइनअप या वाइट बॉल क्रिकेट से बहुत चेंज आया है, क्योंकि जब से पांच फील्डर दायरे के अंदर आए हैं ना, तो एक साइड खाली रहती, तो उसमें आप डॉट बॉल ज्यादा नहीं खेल सकते, और अब ज़्यादा डॉट बॉल खेल के अपने ऊपर प्रेशर लेके आ जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं वीवीएस लक्ष्मण की बात करते हैं, 2004-05 में पाकिस्तान आए थे, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, 100 किए थे, या राहुल द्रविड़ भी खेलते थे, उस पर डिफरेंट गेम था, चार फील्डर होते थे दायरे में, बाकी बाहर होते थे, तो वो डिफरेंट गेम था। लेकिन अब गेम टोटली चेंज हो गई है, तो हम लोग पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी प्लेयर वो सेम पुरानी रूटीन पे खेले जा रहे हैं, लेकिन दुनिया जिसको मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं, इसी वजह से रैंक बैंक थ्योरी, आप रैंकिंग उठा के देख लें तो टीम की स्ट्रेटेजी रिफ्लेक्ट करती है उनकी उनकी गेम के ऊपर। पुजारा नो डाउट वन टेस्ट मैच का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन गया, 2 सेंचुरीज की है 3 टेस्ट मैचेस में, वो तो हमेशा से सॉल्व करता है, तो मैं नहीं समझता कि उनको खिलाया जाए, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वनडे में जबरदस्त है, हम उन पर रो रहे होते हैं, वो कौन से नहीं, बल्कि एक दो प्लेयर इधर भी दे रहे हैं हमें भाई, दो भेज दे, मैं बता यार, वो संजू सैमसन नहीं आते, उनका वीजा शीजा लगवाते हैं,
गुड प्लेयर है, गुड प्लेयर यार, सॉलिड प्लेयर. एनीवेज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेलबर्न टेस्ट मैच की सिचुएशन, प्रॉबेबली इंडिया इज गोइंग टू बी द विनर. ये जो मर्जी कर लें 54 for 5 पे, पर 346 रन बहुत होते हैं और बहुत लीड बहुत जल्दी आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम. बैटिंग उनकी रेकलेस रही और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो 6 के 6 बैट्समैन हैं उन्होंने कोई टेस्टमनी साइन की हुई है कि वार्नर को और स्मिथ को जल्दी लेके आओ वरना हम उनके बगैर लावारिस हैं. बट वेल बोल्ड इंडिया एंड मैसिव लीड कंसीड की एंड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट स्ट्रॉन्ग. ठीक है 54 for 5. मेरे दोस्त हैं हेमंत बुच, वो अक्सर सोशल मीडिया पर नाराज हो जाते हैं, बट दिस हैपेंस इन टेस्ट मैचेस. पैट कमिंस ने बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पेल फेंक दिया, 4 आउट कर. कभी कभार हो जाता है क्योंकि वो आउट होने वाली बॉल नहीं थी, बस वो खेले नेचुरल स्ट्रोक आप खेले और उसमें वहीं पे हासिल कर ली गई है. प्रेशर भी नहीं था, लीड बहुत ज्यादा हो गई है. और जसप्रीत बुमराह Okay. बहुत टाइम हो गया था इंडिया के पास, नो डाउट ग्रेट बैट्समैन आए, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन गुजरे, लेकिन कोई कपिल देव के बाद बॉलर ऐसा नहीं आया जो कि टेस्ट में जितवा सके. और मैच विनर की कमी बॉलिंग में जरूर थी. स्पिनर्स तो इनके पास जाडेजा भी है, अश्विन भी है. अभी कोरेवलो को भूल गए, इनकेश प्रसाद को भूल गए, जवाहरलाल श्रीना को भूल गया. नहीं नहीं ये तो अभी मैं मिलूंगा वो मैच रेफरी, मैं उनको आपकी शिकायत लगाऊंगा. बाबू को सलाम कीजिए, बाबू को. तो ये अच्छे बॉलर थे, बहुत खेले इनके खिलाफ खेले. लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि मैच विनर जिससे दूसरी टीम डरने लगे वो बुमराह है. जिस तरह से वो बॉलिंग की है, आज उन्होंने यॉर्कर की है और उनका इंटरव्यू सुना बहुत अच्छा लगा कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तरजीह देता हूँ, फर्स्ट क्लास खेलना चाहता हूँ और उससे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मेरी वनडे नज़र आ रहा है. टेनिस बॉल से शुरू की थी और बोल रहे थे कि बहुत सारे बॉलर्स का मैंने एक्शन कॉपी किया. हाँ, क्योंकि विप करते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाया. लेकिन उनको जवाब नहीं आया एक चीज़ का कि उनकी पेस इतने छोटे से रनअप में क्यों हो गई. यही चीज़ वसीम भाई के साथ भी रही है. चार पांच कदम से वो थक करके मार देते हैं. सेम चीज शोएब अख्तर के साथ भी थी. ये वो बॉलर होते हैं जो अपने शोल्डर को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं. बाकी जो बॉलर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो खेल रहे हैं वो आर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे आर्म का करते हैं. और उसमें बॉल एक हद तक तेज हो सकती है, 140, 141, 142 तक जा सकती है, लेकिन 145 क्रॉस करती है, 150 तक अगर जाते हैं तो आपका शोल्डर बहुत अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए. तो यही वजह है, डेल स्टेन एक जमाने में देखा होगा आपने, शोल्डर से बॉल करते थे, शोएब अख्तर को देखा होगा आपने, ये शोल्डर पूरा इस्तेमाल करते हैं. और भाई तो इधर से भी नहीं करते एक थे. एक खास चीज जो भाई इधर से नहीं करते नहीं, थे, कई दफा पीछे का गेंद तो करते. जो तेज बॉलर है ना, जितना तेज है जब उस जब रिलीज के एक्सेप्शन है, आप बाद में मानेंगे जब मैं आपको हाईलाइट करूंगा फिर आप मानेंगे. हाँ, एक एक्सेप्शन है. आप हैरान होंगे जी, सन 2000 के बाद वो आए थे, 2001 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. इनके वो नीचे परवान चढ़े. ही इज द ओनली फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, जिनको आप कह सकते हैं इन द वर्ल्ड कह रहा हूं मैं, जो कंप्लीट फास्ट बॉलर थे, जो शोल्डर इक्वल उनका लगता था अलाइनमेंट में, उतनी स्ट्रांग उनका जो है जिसको कहते हैं लोअर टॉर्सो था और उनकी टांगें थी, वो मोहम्मद शमी. मोहम्मद शमी शोल्डर बॉलर, तो इसलिए तेज पूरा लगता था. और इस पे बाकी एक चीज और नोट की, अगर नोट नहीं की तो कीजिएगा जरूर, जब बैकफुट लैंडिंग होती है तो इनका पंजा पड़ता है, इनका हील नहीं लगती. जिनकी हील नहीं लगती वो नैरो सेकंड तेज बॉल चली जाती है बैट्समैन के पास, जिसकी वजह से यॉर्कर इफेक्टिव होती है और हो रही है. और जसप्रीत बुमराह का जिस ने कहा, वसीम भाई अगर खड़े खड़े गेंद भी करते तो उतना ही तेज करते, क्योंकि रेपिटेटिव मोमेंट ऑन शोल्डर भी ले लेते थे. शोएब अख्तर शोल्डर से करते थे, शमी शोल्डर से करते थे, लेकिन बुमराह जो है जिस ने कहा, शोल्डर भी इस्तेमाल हो रहा है और रिपीटेड मूवमेंट भी उनकी आ जाती है, जिस तरह का एक्शन है जिसकी वजह से वो आगे का गेंद भी गोली कर रहे हैं. और मैं तो फैसिनेट हो रहा हूँ. मैच विनर बॉलर अगर मिल जाए जो कि बाहर, इंडिया से बाहर या पाकिस्तान से बाहर, तो वो उसकी वैल्यू होती है. और आप देखेंगे आने वाले वक्त में, अभी तक बैट्समैन का चर्चा रहा है, का बड़ा डर लग रहा है. आगे बात करते हैं, एक्शन जो है ना वो ग्रॉइन उड़ गया. अभी जैसे बड़े बड़े नाम गुजरे हैं इंडिया के बैटिंग लाइनअप में, लेकिन अब ऐसा ये नाम आने वाला है जो शायद शायद पब्लिक इनके पीछे भागे. कौन? जसप्रीत बुमराह. डेफिनेटली ही विल बी अ सुपरस्टार, राउजिंग सुपरस्टार. अच्छा एक चीज और जी, इंडिया का कभी भी माइंडसेट नहीं था, पाकिस्तान में था. पाकिस्तान ने जब शुरू की अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट तो खान मोहम्मद आपको तेज गेंद करते नजर आते थे, महमूद हुसैन नजर आते थे, फजल महमूद काफी तेज थे लेकिन बाद में वो फास्ट मीडियम लेग कटर्स करते थे, तो मोहम्मद मुनाफ आए, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स,
सरफराज भाई ने डोमिनेट किया, वो इतने तेज नहीं थे लेकिन वो भी 130-135 पे थे। फिर इमरान भाई ने आके खैर सिकंदर भाई सारा दिल्ली चेंज दिल्ली कर का दिया शॉट आउट एट फॉर किया। 69। सिकंदर भाई तो ऐसे लगता था गेंद बाद में पहुंचेगा, खुद बैट्समैन के पास पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन इंडिया का माइंडसेट ये था बैटिंग आर्टिस्ट्री पोइट्री स्पिनर्स तो इनके, और स्पिनर्स क्वालिटी, चाहे वो सुभाष गुप्ते थे लेग ब्रेक कर रहे हैं या अपना गुलाम अहमद थे ऑफ ब्रेक कर रहे हैं, उनके पास आउटस्टैंडिंग, बाबू नटकर्णी ने कमाल स्लो लेफ्ट आर्म किया, रिकॉर्ड मेड इन बे मेड इन वो करते थे। बट करसन घावरी कभी गेंद कर रहे होते थे, करते करते उसी टेस्ट मैच में स्लो लेफ्ट आर्म शुरू कर देते थे। एकनाथ सोलकर, फिर उनके बाद ये मास्टर अजीज दुरानी के, हनीफ भाई के उस्ताद के बेटे इनके तरफ से खेले, सलीम दुरानी, तो जो मोहिंदर अमरनाथ, जिमी भाई नया गेंद करते थे। सो कपिल देव चेंज इट ऑल फॉर इंडिया, और अब जसप्रीत बुमराह मुझे लग रहा है कि ही इज जस्ट गोइंग टू गो प्लेसेस, एम आई राइट? नहीं लोग यार और आप उसे इंप्रेस क्यों होते हैं पहले नहीं, बताएं। मैं नहीं होता बिल्कुल भी। अरे ये काउंटर ये मेरे से इंप्रेस नहीं होता। काउंटर क्वेश्चन आएगा कि जहीर खान ने बहुत ज्यादा आउट किए हुए हैं या इरफान पठान ने, दूसरे ने बहुत ज्यादा आउट किए, श्रीनाथ ने आउट किए हुए हैं, लेकिन जेन्युइन क्विक नहीं थे, क्विक थे नहीं, जेन्युइन फास्ट बॉलर थे, लेकिन दूसरी टीम बहुत ज्यादा खायफ नहीं होती थी, तीन चार दो तीन विकेट लेते थे। लेकिन बुमराह जिस तरह से आया, मैंने शुरू में बात की थी कि अब इंडिया के या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर 5 विकेट लेने की आदत नहीं हुई, पिछले मैच में शमी ने 6 आउट किए या 5 आउट किए, अब इन्होंने 5-6 आउट किए और फर्स्ट क्लास में या टेस्ट क्रिकेट में कभी 10 आउट नहीं किए, और ये मौका मिला है उनको, इसमें 10 आउट कर सकते एक क्रेडिट तो दे दें शान शर्मा को कि उन्होंने भी बेचारों ने अपनी लिमिटेशंस के बावजूद नहीं बहुत है। अच्छा बल्कि एक काम अगर आप मानेंगे, शायद ये नाराज ना हो जाए हमारे ऑडियंस, कि विराट कोहली शायद वो कप्तान है इंडिया का, इससे अच्छा फास्ट बॉलिंग अटैक किसी कप्तान को नहीं मिला जितना इनको मिल गया। माइंड सेट चेंज हुआ, मैं ये समझता हूँ। फास्ट बॉलर थे अच्छे, आउट जो नाम आपने लिए वो तीनों एक साथ टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन बैटिंग इतनी दलेर नहीं थी, अच्छे जरूर थे, लेकिन अब ये जो स्प्रिट आई है ना, टीम स्प्रिट जो आई है, ये चेंज लेके आई है विद इन द ड्रेसिंग रूम। विराट को क्रिटिसाइज तो ना करें ना, तो मैंने तो नहीं करता ना, आप करते हैं ना, ऑफ कैमरा तो आप कर रहे होते हैं। नहीं नहीं मैं क्यों करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता ना, लेकिन कप्तानी कप्तानी देखनी पड़ेगी, कप्तानी हमें भी देखनी पड़ेगी और दूसरों को भी देखनी हाँ, पड़ेगी। हमें कप्तान मिल गया, कौन? दो सीरीज के बाद शायद महसूस, देखिए बहुत बुरा टेस्ट मैच हारे, टेस्ट मैच हारने वाला नहीं था, तीसरे दिन हाँ हार गए, चौथी इनिंग्स की भी बात भी देखिए, नहीं। कल हमने जो वीडियो रिकॉर्ड की उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, रात 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो अपलोड हुई है, उसके लिए भी माजरत चाहते हैं, लेकिन और आज 12:25 आज भी ऐसे ही होगा, अभी टाइम क्या हो गया। खैर एनीवे, ये जो कप्तानी की बात है पाकिस्तान की, अंडर प्रेशर सरफराज, और स्ट्रेटेजिकली भी जो आपके तो वो कहते हैं ना जिसके हाथों फूल गए, देखिए जहां पे बॉलिंग का कमाल था, बॉलिंग ने बॉलर ने बॉलिंग बॉलिंग आमिर से एक्सपेक्टेड नहीं था, जिसने उसने गेंद करके आपको आउट कर दिया, लेकिन जिस तरह से गेम को छोड़ देते हैं वो गलत है, बैट्समैन को अजहर अली हो चाहे चाहे सरफराज हो अर्थात शफीक हो, आज आमला और एल्गर ने जो 50 किया है दैट वाज वॉक इन द पार्क, यस खत्म। लेकिन दो नए प्लेयर्स इमामुल हक या शान मसूद ने बहुत इंप्रेस किया, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा टेस्ट मैच खेल लिया, उनकी परफॉर्मेंस 103-50 है, शायद उस वक्त इतनी क्वालिटी नहीं थी जितनी अब इम्प्रूव्ड प्लेयर लग रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरी को वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पिक जल्दी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छा लग रहा है, खेलते हुए अच्छा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से बाकी मैं ऐसे घर जा रहा हूँ, टॉम लेथन मिलने आ रहा है मुझे, 176 कर दिया, आप 176 कर दिया, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, वो कल के मैच हो जब फिनिश हो जाएगा, जो मर्जी करते हैं 660 और 24/2 श्रीलंका, तो डिस्कस क्या करना है, बट वेल प्लेड लेथम, और ऑनरी निकल्स को तो हमने जी पाकिस्तान ने प्लेयर बनाया, उनका एक ही तरफ के स्ट्रोक थे, हमने उनको खोला है, ये बताया कि कर रहे हैं मोहम्मद अब्बास वापिस अगर आते हैं तो किसकी जगह खेलेंगे, और हसन ने बहुत अच्छे गेंद किए, हसन ने भी किए, आमिर ने भी आउट कर दिया। अच्छा अगर आप मेरिट पे मुझे देखेंगे ना, अगर मैंने सेलेक्ट करना हो, मैं आमिर को ड्रॉप करूंगा और मैं लेके आऊंगा अब्बास को, नॉट के आमिर ने बुरे गेंद किए, बट मैं हसन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा विद दिस लेंथ एंड इन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल, क्योंकि वो बॉलर ज्यादा कामयाब होगा, लेंथ अच्छी हो जिसकी और दोनों मूवमेंट हो, एक पे काम नहीं चलता, दोनों मूवमेंट ही आउट किए ना, और पिच बहुत जबरदस्त थी आउट करने के लिए, लेकिन हाशिम आमला ने रन किया आज, हाँ जी 63 बहुत अच्छा खेले, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ हुआ था, एल्गर बहुत अच्छा खेले अपने 50, लेकिन मुझे एक और राशिद एक चीज आप बताएं, ये तो क्लियर हो जाएगा अगर हारिस सोहेल ने अपना गोडा ठीक कर लिया, जो कि नहीं होगा पिच को देखते हुए, पिचेस को देखते हुए साउथ अफ्रीका में, लेकिन अगर वो गोडा ठीक हो गया तो फिर वैसे एक चीज है, फिर मैं किसको बाय बैठाऊंगा, ये साउथ अफ्रीका लेफ्ट हैंडर अगर फ्लेंडर नहीं है ना, लेफ्ट हैंडर को उनको प्रॉब्लम हो रही है बॉल करते हुए,
तो एक और लेफ्ट हैंडर और डाल मैं वही कह दिया। रहा हूँ, अगर हारिस आ गया तो हम किसकी जगह लेके आएंगे? हारिस मेरे असद को ड्रॉप नहीं, करेंगे? असद ही जाते हैं, असद बनता नहीं है फिर अभी, कौन ड्रॉप होगा? मैं क्या आता वो तो हो रहा है, उसके पीछे तुम पड़ गए हैं। मेरे ख्याल से फखर जमान पे ड्रॉप होगा। फखर ड्रॉप हो जाएगा और ऊपर ओपन करवा देंगे शान से। यस, और ये पॉसिबिलिटीज है यू आर सो राइट, यू ना। आर सो राइट कि दो चीजें मत तोके, ऐसे कि एक थोड़ी ना, तो अब्बास, हम भी डॉक्टर हैं आप तो दिल के डॉक्टर भी हैं, अब्बास आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ जी। आमिर, जो कि मिकी आर्थर का क्या दिल करेगा जिस हाँ वक्त ये करना सर, पड़ेगा। एक और चीज़ बताएं, आज बहुत सारी बहस चल रही है कि राइट, डिक्लेरेशन की, इंडिया की डिक्लेरेशन की, कि उन्होंने फॉलो ऑन जरूरत जरूरत नहीं थी, नहीं थी ठीक है, दे हैड कॉन्फिडेंस इन देयर डॉक्टर को दवाई तो दे दो, गला सही चल रहा है। डॉक्टर का अपना बुरा हाल, आगे चले। मेरा ख्याल जरूरत नहीं थी डिक्लेरेशन की, अगर बारिश आ दो दिन जाती है, बारिश हो पॉसिबिलिटी जाएगी, तो है दो ना, दिन एक दिन भी हो जाती है। आप क्या करते हैं अगर बताना होता है? डिक्लेयर करते, इन्फोर्स करते फॉलो ऑन? मैं ऑस्ट्रेलिया के आप अंडर बॉलर्स को, प्रेशर आप है। बमरा को टेस्ट करते कि ग्रोइन उड़ जाए? हाँ, नहीं, उड़ता नहीं, उड़ता बहुत टफ बॉलर है, अभी नहीं उड़ेगा, अभी एक्शन बहुत, नहीं, काइनेटिक्स बहुत अभी खराब है। है लेकिन ना, क्योंकि जो इन्होंने इंटरव्यू दिया उसके लिहाज से कि बचपन से ही खेल रहे हैं, यानी कि टेनिस बॉल से भी खेलिए, फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं, अगर एक्शन खराब भी है ना, अगर इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही तो ये हाँ, बात गो सही थ्रू कह रहे कर हो, लेकिन जाएंगे। राशि वो गो थ्रू क्यों होंगे कि अभी एक तो बहुत बहुत तेज करें, शोल्डर बहुत तेज आ रहा है, हाँ, गेंद तेज करें, लेकिन पंजे पे नहीं लैंड हो रहे, हील लैंड होती है। अगर आप हील हील गौर, हील आज आप हील देखें जरा। बैक फुट लैंडिंग जो है ना वो हाँ, मैटर करती है, ओके, वो फ्रंट फुट तो आप बहुत सारे बॉलर हैं जिनके पंजा पहले करता है या हील करती है या दोनों साथ करते हैं। मॉनी मौकल था जो कि दोनों करते थे कभी, बहुत लेकिन तेज करते थे वो, क्या है, वो कभी हर तीसरे मैच में बाहर चले जाते थे ना, ये एक बहुत बड़ी चेन उड़ प्रॉब्लम जाती थी। प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को दोबारा मॉरी मॉर्गन ने जो इंग्लैंड ने पंजा ऑस्ट्रेलिया लगाया को था, डॉग मेरे ख्याल से दोबारा अंडर डालते और अच्छा खिलाते, तो चांस कोई भी नहीं। देखिए 292 रन की अगर लीड बहुत होती है, 292 की लीड ली अगर कितने नहीं तो कल चवन, ऊपर कर लेते, नहीं कल कितने चवन और करके दे दें उन्हें, 400 कहाँ होता उनसे। हाँ, देन देना तो चाहिए इनको, जल्दी चवन करके दे दें, नो चौवन प्रॉब्लम। कर आप भी मां से एक तो बस। लेकिन बहुत अच्छी लीड है ये अच्छा, आपको पता है कि थ्री फोर्टी हमने सिक्स पहला की, टेस्ट क्यों मैच क्यों नहीं दिखाया? नहीं दिखाया? ढाई दिन का कमर्शियल ये टाइम कौन पूरा मैं इतनी करता? तैयारी करके बैठा हुआ था ना। देखिए नहीं, पाकिस्तान टीम की हम लोग ना, हमारे लिए बहुत छोटा टाइम है ये, 5 मिनट 8 मिनट की वीडियो ना, ये मिकी भाई सुन लें, हम लोग जब इंशाल्लाह करेंगे गेम होने, फिर आप देखिएगा फिर हम किस तरह से, और हमारे मिकी पास भाई, वीडियोज होना बहुत जरूरी है, फुटेज अगर होती है ना हमारे पास, जब पीटीवी पे होते हैं हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कोई पिक्चर जो बुमराह की बॉलिंग की एक्शन स्टिल पिक्चर, क्योंकि वीडियो हम दिखा नहीं सकते, स्टिल पिक्चर भी भेजें जिसकी वजह से जसप्रीत पता बुमराह जी चले। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, कनेटिक्स से इन्होंने कहा उनकी नेचुरली डेवलप हुई है, इसलिए मसल, उनकी मेमोरी और मसल उस तरह डेवलप हो गए। लेकिन जिस वक्त ऐसा बॉलर अगर हील पे लैंड करेगा, और बैकफुट लैंडिंग इनकी बात सही है कि वो पंजे पे जब आते हैं तो वो नैनो सेकेंड्स गेंद तेज भी करते हैं, शोल्डर से करते हैं, ज़्यादा लंबे स्पेल्स करेंगे तो मसाइल होंगे एक, और दूसरा अगर उनको पेस, अपना लेंथ वेरी करनी पड़ गई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो ऐसे बॉलर को बहुत वैसे मसाइल होंगे। इनके पास और भी जो खेल रहे हैं, मोहम्मद शामी अच्छी बॉल कर रहा है, लेकिन कभी ऑफ कलर हो जाते हैं कभी नहीं होते, ईशांत शर्मा भी भुवनेश्वर होते हैं, कुमार लेकिन काफी इनको काम कर जैसे रहे मैंने हैं। एक पहले उसमें कहा था कि इनको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर साथ रखना आपको यादव चाहिए, से लड़ाई है आपकी? मतलब ज़्यादा अपना फ्लैट विकटों का बॉलर है, फ्लैट विकटों का जो रिवर्स स्विंग हो रही है, तेज़ अच्छा जहीर बॉलर भाई है, की, जहीर जहाँ खान पे थोड़ी की सी क्रूड भी है, फॉर्म है। नहीं जहीर तो दोनों तरफ कर रहा, लेकिन खलील अहमद ना गुड बॉलर, हाइट अच्छी है, हालांकि बॉल मारता है, अभी T20 खेल लेकिन रहा है वन वो, डायमेंशनल लग रहा था। नहीं बॉल जब वो अक्सर जिस तरह बुमराह बॉल करता है, याली उंगली पे जोर लगाता है जब बॉल निकलती है पढ़ के बाहर निकलती है, इसी तरह वेस्टइंडीज की सीरीज में अगर देखा उसने मारा है, और सैम्यूल था कोई 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 उसने सैमुअल, स्लिप मारी थी। अब सैमुअल भाई, अब आप कोई हो गए। यार ऐसे ऐसे प्लेयर को खिला रहे हैं यार, इसे हम भी खुद खेल सकते हैं, तो वो जो यहाँ से फ्लिक करता है ना, जैसे लेफ्ट आर्म ग्रेट करते थे वसीम भाई करते थे, यहाँ से फ्लिक जो करते थे तो बॉल पढ़ने के बाद होती थी। इस वेस्ट इंडीज में मेरा चांस बन सकता है नहीं, इस आपका वेस्ट? किसी टीम में चांस नहीं बन सकता खुदा हाफिज जी, अपना ख्याल रखें, इनको जरा मैं पकड़ता हूँ, इनके साथ मैं जरा ये करता हूँ, कुछ और बोलना, गॉड ब्लेस। गॉड बिहाइंड।